नमस्कार दोस्तों, वेदीफाइड के इस YouTube चैनल पर मैं अभिजीत कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप देखेंगे 4 जुलाई 2020 के करंट अफेयर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 33 फाइटर जेट्स की खरीद के लिए रक्षा अधिग्रहण परिषद ने कितनी राशि मंजूर की है? तो ये राशि मंजूर की है 38,900 करोड़ की, और 33 में से हम 21 MiG-29 विमान खरीदेंगे रसिया से, और 12 सुखोई 30 MKI यह हमें हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से दिया जाएगा। HAL के CMD है R माधवन। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौन सा हैकाथॉन शुरू किया है? यह हैकाथॉन है ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन। राजमार्ग क्षेत्र में निवेश की सुविधा के लिए कौन सा PSU भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 और सेबी विनियम 2014 के तहत भारत की पहली सरकारी या अर्ध सरकारी पदोन्नत इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट की स्थापना करेगा? तो यह स्थापना करेगा NHAI। NHAI के चेयरमैन है सुखबीर सिंह संधु। रूसी मतदाता ने व्लादिमीर पुतिन को किस वर्ष तक देश के राष्ट्रपति के रूप में बने रहने की अनुमति दी है? तो ये उन्हें अनुमति मिली है 2036 तक। और आप यहाँ पे रशिया का मैप देख सकते हैं। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, रशिया की करेंसी रूबल, और वहां के PM है मिखाइल व्लादिमीरोविच। किस बैंक ने एक पर्यवेक्षक के रूप में वित्तीय प्रणाली को हरियाली के लिए नेटवर्क में शामिल किया है? तो ये इसे शामिल किया है ADB ने। यहाँ पे आप ADB देख सकते हैं। ADB का हेडक्वार्टर है मेंडलियोंग फिलीपींस में, और इसमें टोटल मेंबर 68 है, और इसके प्रेसिडेंट है मसात्सुगु असाकावा। किस ऑपरेशन के तहत भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री की है 10,000 करोड़ रुपए में? तो ये ऑपरेशन है ऑपरेशन ट्विस्ट। कौन सा बैंक अपने ग्राहकों को ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो ऋण के लिए जिप ड्राइव प्रदान करेगा? ये प्रदान करेगा HDFC बैंक। HDFC बैंक के MD है आदित्य पुरी। RBI के अनुसार मार्च 2019 की तुलना में मार्च 2020 में भारत का बाहरी ऋण कितना डॉलर पर था? ये था 558.5 बिलियन। और RBI गठन किस कमेटी के अंतर्गत हुआ था? ये हुआ था हिल्टन यंग कमीशन। ये भी हमें याद रखनी है। केयर रेटिंग्स के अनुसार भारत की GDP वित्त वर्ष 2021 में घटकर कितनी हो जाएगी? तो हमारी GDP हो जाएगी घटकर 6.4%। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण के छठे संस्करण के लिए किसने टूलकिट जारी किया है? ये टूलकिट जारी किया है हरदीप सिंह पुरी ने। उस लड़की का नाम बताएं जिसने अपने रिसाइकलर ऐप के लिए 2020 डायना एप पुरस्कार प्राप्त किया है। तो ये प्राप्त किया है फरियाद ठकराल ने, और ये 13 साल की ब्रिटिश स्कूल की न्यू दिल्ली की छात्रा है। 2020 की कॉमनवेल्थ लघु कथा पुरस्कार के समग्र विजेता कौन बनी है? ये बनी है कृतिका पांडे, और इनकी कथा का नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स, और ये भारत की दूसरी थी। पहली कौन थी? पहली थी प्रसार कुलकर्णी, इन्हें मिला था ये अवार्ड 2016 में। एडवर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया है, ये किस देश के PM थे? तो ये प्रधानमंत्री थे, या फ्रांस की फोटो देख सकते हैं, ये प्रधानमंत्री थे फ्रांस के। किस संस्थान ने एक आवासीय कक्षा मोबाइल मास्टर जी विकसित की है? तो ये विकसित की है IIT कानपुर ने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।